आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वन महोत्सव के अंतर्गत एक दिन में लगाए गए 25,51,404 पौधे वृक्षारोपण महाअभियान के तहत सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे लगाया 100 करोड़वां पौधा। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 5 औद्योगिक स्थानों पर क्लस्टर बनने से युवाओं को अपने ही शहर में मिलेगा रोजगार। सीएम बोले, कोरोना में जान गंवाने वालों के लिए स्मृति वाटिका है अच्छी पहल। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत, सोमवार को वाराणसी के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी ने महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कुल 16,197.35 लाख की लागत के 71 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर अब है आपके सामने। नया गोरखपुर आप सबकी है पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की बैठक। दी बधाई, कहा, देश के विकास में गांवों की है महत्वपूर्ण भूमिका, करें अपने अपने क्षेत्र का विकास। झंगा थाना क्षेत्र के राजधानी गांव के समीप गुर्रा नदी के तटबंध के किनारे 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। बेरहमी से हत्या की आशंका, शिनाख्त में जुटी पुलिस। वन महोत्सव सप्ताह के तहत प्रभारी मंत्री ने किया पौधरोपण। आरोग्य वाटिका एवं कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की याद में बने स्मारक का किया लोकार्पण। कहा, पूर्वजों की याद में लगाए पौधे। डीएम ने कहा, जनपद में 50 लाख पौधे लगाने का है लक्ष्य, पेड़ लगाना है पुण्य का कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई सांसद विधायकों सहित पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक। कोविड टीकाकरण के साथ शासन के योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में रविवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,294। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 57 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। वन महोत्सव सप्ताह कार्यक्रम के तहत कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वन कर्मियों के परिवार वालों को प्रभारी मंत्री ने किया सम्मानित। कहा, एक वृक्ष होते हैं 10 पुत्र के समान, करें इनका संरक्षण। एक बार फिर आया पुलिस का मानवीय चेहरा सामने। राप्ती नदी के तट पर दलदल में फंसे बालक की टीपी नगर चौकी प्रभारी ने बचाई जान। स्थानीय लोगों की मदद से बालक को दलदल से निकाला बाहर। वन महोत्सव के अंतर्गत लाल डिग्गी स्थित पार्क में महापौर ने किया पौधरोपण। कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों की याद में लगाना चाहिए पौधा। पुलिस लाइन की प्रशिक्षु महिला आरक्षियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में आयोजित हुआ निःशुल्क चिकित्सा शिविर। रिक्रूट महिला आरक्षियों को हेल्थ चेकअप के साथ स्वास्थ्य संबंधी दी गई जानकारी। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शुक्रवार की रात 9 बजे से लगाया गया साप्ताहिक बंदी का रविवार को दिखा छिटपुट असर। बंद रही दुकानें लेकिन आवागमन रहा जारी। सोमवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहेगी कर्फ्यू में ढील।